भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। किसी भी बुरे व्यक्ति से, किसी भी बुरे काम से आपको बहुत दूरी बनाकर रखनी है। पैसा आपके पास आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन ये सब जो चीजें मैंने बताई, इन सब से गुजर कर आएगा, तो इन सब से आपको बचना होगा। अक्सर हमें भाग्य से एक शिकायत रहती है, किस्मत से, भगवान से एक शिकायत रहती है कि हमने मेहनत की, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें वो नहीं मिला जिसके हम हकदार हैं। आपको बता दूं, ये जो फिरोजा रत्न है, ये गुडलक को बढ़ाता है, भाग्य को बढ़ाता है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे इसको पहनकर बड़ी बड़ी सफलता पाते हैं। ये जो लाजवर्द है, ये तकलीफों को दूर करता है, शत्रुओं से बचाता है। और ये जो हीरा है, विशेष और उच्च दर्जे की सफलता दिलाता है। और ये जो रुद्राक्ष है, पांच मुखी नेपाली, ये रुद्राक्ष शिव का आशीर्वाद दिलाता है। देवों के देव महादेव का आशीर्वाद जिसके पास है, उसको कभी कष्ट नहीं हो सकता। तो ये चार चीजें आपके जीवन में किस प्रकार से काम आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कुछ ही क्षणों में। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 29 जून 2021 क्या बोलते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। सूर्योदय होगा 5:26 AM पर, सूर्यास्त होगा 7:23 PM पर। तिथि है पंचमी, नक्षत्र है शतशिवा, पक्ष है कृष्ण पक्ष, वार मंगलवार, चंद्र राशि कुंभ, सूर्य राशि मिथुन, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:52 तक, राहु काल है 3:54 से लेकर 5:38 PM तक। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और राहु काल में सावधानी और शुभ समय में करें शुभ काम। और यह समय जो भी अभिजीत मुहूर्त का है, या राहु काल का है, या पंचांग का है, या आपके शहर के अनुसार कुछ सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है। अब सबसे पहले हम इन पत्थरों के बारे में जानेंगे, इस रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे, हीरे के बारे में जानेंगे, फिरोजा के बारे में जानेंगे, और लाजवर्द के बारे में जानेंगे। ये चारों चीजें कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगी, ये जानना बहुत जरूरी है। आप रोज राशिफल देखते हैं, रोज राशिफल सुनते हैं, राशिफल सुन लेने से क्या आपका भला हुआ? नहीं, कुछ करने से होता है। जो काम हम खुद नहीं कर सकते, वो काम ये रत्न कर देते हैं। और ये चार रत्नों की चौकड़ी आपके जीवन में विशेष सफलता लेकर आएगी। L6 लिखकर आपको WhatsApp करना होगा। अब अगले 3-4 मिनट इन पत्थरों के बारे में जानिए, उसके बाद राशिफल बताऊंगा, उसके बाद उपाय भी बताऊंगा जिनको बेहतर करने के लिए। आइए जानते हैं, क्या आपके जीवन में भी ऐसे उदासी छाई हुई है? क्या आपके जीवन में भी इस प्रकार से लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या आपके सपने भी बड़े बड़े हैं? क्या आप भी अपने परिवार में, समाज में कुछ नाम करना चाहते हैं? क्या आप भी खूब पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? तो आइए मैं आपको देता हूं ऐसे चार रत्न, ऐसे चार कीमती और फलदायी रत्न, जिसको आप अपने पास रख कर भी या पहन कर भी जीवन के सारे सुख पा सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, या फिर किसी भी राशि या लग्न के हो। तो पहला वो कीमती रत्न है फिरोजा। आपने फिल्मी हीरो हीरोइन देखे होंगे जो अपनी सफलता के लिए इस रत्न को धारण करते हैं, फिरोजा। इसको धारण करने के बाद बैड लक गुड लक में बदल जाता है और बड़ी बड़ी सफलताएं
आपके पास आती हैं, आपका गुड लक शुरू हो जाता है, अच्छा वक्त शुरू हो जाता है इसको पहनने के बाद। दूसरा रत्न है हीरा, डायमंड। जिंदगी की उदासी, जिंदगी में आने वाले जो गम हैं, उनको खुशियों में बदलता है। चमक धमक जैसी जिंदगी देता है, ऐशो आराम देता है, नकारात्मक बुराइयों से बचाता है, धन दौलत का मालिक बनाता है, अच्छे प्रेम संबंध कराता है, अच्छी मित्रता कराता है, वैवाहिक जीवन में प्यार को बढ़ाता है और साथ ही साथ माला माल बनाता है, और जिंदगी में जो जहर है, जो गम है, जो कष्ट है, उनको काट कर खुशियां लेकर आता है, नौकरी और व्यापार में तरक्की दिलाता है, विपरीत लिंग में आपकी उपस्थिति को दर्ज कराता है, जहां जाएंगे वहां पर लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे, जल्दी शादी होगी, जल्दी बच्चे होंगे, जल्दी परिवार बढ़ेगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के विदेश यात्रा के जो सपने आपने देखे हैं वो पूरा कराएगा हीरा। तीसरा जो रत्न मैं आपको दे रहा हूं, लाजवर्द। भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति, आप जो शत्रु आपसे जलते हैं उनसे मुक्ति, नजर दोष से मुक्ति, शनि की साढ़े साथी शनि की ढैया या अन्य अशुभ योगों से मुक्ति, काल सर्प दोष से मुक्ति, बचाव, डिप्रेशन से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, कमजोर बुद्धि को मजबूत बनाने की दम रखता है, घर का वास्तु दोष सही करता है, नौकरी व्यापार में प्रमोशन दिलाता है। जो लोग निकम्मे हैं, जिनको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो भी इसको लेकर होशियार बनते हैं, रातों रात जिंदगी बदलती है, घर के झगड़े समाप्त होते हैं, भाई बंधु रिश्तेदारी में प्यार बढ़ता है। और चौथा जो मैं आपको अद्भुत चीज दे रहा हूं वो है ये पंचमुखी रुद्राक्ष, वो भी नेपाली ओरिजिनल। ये सारे रत्न ओरिजिनल है। ये पांचमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का सबसे ज्यादा प्रिय, भगवान शिव जो रातों रात किस्मत को बदल देते हैं, रातों रात ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। सिर्फ इतना जान लीजिए, ये रुद्राक्ष आपके पास है तो कोई रोग नहीं रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सिर्फ सुख ही सुख होगा, शिव के प्रिय होंगे और उसके बाद सभी देवों का आशीर्वाद मिलेगा, इस जीवन में तरक्की मिलेगी। तो फिरोजा यानी कि गुड लक, हीरा यानी कि जीवन में जितना कष्ट है, जहर है, उसको दूर कर देगा, लाजवंत यानी कि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, और पंचमुखी रुद्राक्ष यानी साक्षात शिव का आशीर्वाद। तो ये चार चीजें आपके जीवन में खुशहाली लाएंगी। इनको पाने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है इस नंबर पे L6 लिखकर व्हाट्सएप करें, L6 लिखकर व्हाट्सएप करें, इसकी बुकिंग कराएं और जीवन में सुख ही सुख पाएं। और देखिए, जब आप ये सब चीजें ले लेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा, पैसा, सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, हवाई जहाज की यात्रा का सुख, विदेश यात्रा का सुख, और चेहरे पर होगी मुस्कुराहट, और बैंक बैलेंस जो होगा वो जाएगा बढ़, और आप कहेंगे ईश्वर का धन्यवाद। तो ऑर्डर करने के लिए L6 लिखकर व्हाट्सएप करें। बात करते हैं अब आपकी राशि मिथुन की। आज आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, बच्चों के साथ सहयोग होगा, बच्चों का प्यार मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का दिन बहुत ही बढ़िया है, काम काज को लेकर आप थोड़े व्यस्त भी रहेंगे, थोड़े सतर्क भी रहेंगे। आज तैयारी आपकी हर एक काम को, जो भी तैयारी करेंगे किसी भी काम की, बड़ी शानदार होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन शानदार होगा, जीवन साथी की तरफ से आपको बढ़िया झुकाव देखने को मिलेगा, जीवन साथी आपके प्रति आज समर्पण का भाव रखेगा या भाव रखेगी, सेहत बढ़िया रहेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, नया व्यवसाय शुरू हो सकता है, पुराने व्यवसाय में कुछ नया कर सकते हैं। आपके बॉस आज आप पर गुस्सा कर सकते हैं या घर के बड़े लोग आज आपको डांट सकते हैं आपकी गलतियों पर। भूल कर भी घर के बड़ों से या बॉस से आज बहसबाजी ना करें, अपने काम, जरूरी काम से भटके नहीं, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। खर्चों पर बहुत काबू रखना होगा, आप अपने दिन को काफी मायनों में सफल होता हुआ देखेंगे, कुछ चीजों में असफल होंगे लेकिन 90% चीजों में आज आप सफल हो जाएंगे।
आपके जूनियर, आपके मित्र या आपसे थोड़े चिढ़ने वाले लोग, यानी जिनको हम शत्रु कहते हैं, वो बात बात में आपको ताने मारेंगे या आपकी बातें इधर से उधर करेंगे, जिससे आपको गुस्सा आए और गुस्से में आप कुछ गलत करें। यानी उकसाने की कोशिश की जा सकती है, खास करके ऑफिस में और घर में रहने वाली महिलाओं के साथ। दिन बढ़िया है, अगर फैसले लिए तो अच्छा है, फैसले नहीं लिए तो भी आपके बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फैसले तभी लें जब आप पूरी 100% बिल्कुल आपको लगे कि ये फैसला सही है, नहीं तो फिर किसी जरूरतमंद से सलाह ले लें या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लें जिसको सही सलाह देना आता हो, जो जरूरत के वक्त आपके काम आया हो, ऐसे सही सच्चे दोस्त से ही आज आप कोई सलाह लें। आज मतलब परस्त लोग, मौका देखकर आपको लूटने वाले लोग, मौका देखकर आपकी चमचागिरी करने वाले लोग, मौका देखकर आपको चिढ़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, थोड़ा संभल कर रहिएगा। आपको समझदारी दिखानी होगी, समझदारों की सलाह लेनी होगी और बहुत ज़्यादा मुंह से उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना है। मेहनत से घबराना नहीं है, धर्म कर्म में लगे रहना, तीर्थ यात्रा करें या कराएं, कोई जा रहा है तो उसकी मदद कर दें। शिक्षक प्रोफेसर लेखकों के लिए दिन बढ़िया है, भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है, किसी भी बुरे व्यक्ति से, किसी भी बुरे काम से आपको बहुत दूरी बनाकर रखनी है। पैसा आपके पास आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन ये सब जो चीज़ें मैंने बताई इन सब से गुजर कर आएगा, तो इन सब से आपको बचना होगा। चिंता नहीं करनी है, वासना विलासता में नहीं फंसना है। कितना भी बुरा वक्त अगर आपका होता है, आज कितना भी बुरे से बुरा आपके साथ हो जाए, लेकिन उस बुराई में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई ईश्वर दे देंगे, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहकर दिन बिताने की आवश्यकता है। अपने चरित्र को साफ रखें, पिता का काम और बढ़िया बढ़ेगा, पिता की या बड़े भाई को तरक्की मिलने की पूर्ण संभावना है। भगवान शिव की आराधना जितनी करेंगे उतना बढ़िया आज का दिन बीतेगा, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। और ये जो L6 है फिरोजा, और ये जो लाजवर्द, ये हीरा, और ये है आपका रुद्राक्ष, ये जान लीजिए चारों दिशाओं से खुशियां जब बरसेंगी तो आप सोचिए कैसा लगेगा। ठंडी हवा जब चलती है तो दिल खुश हो जाता है, ऐसे ही आपके जीवन में ये L6 के चार पत्थर सारी खुशियां लेकर आ सकते हैं। मैं हमेशा एक से ज्यादा चीजें क्यों देता हूं, क्योंकि हर मर्ज की एक दवा नहीं होती, क्योंकि आपके दुख दर्द परेशानियां भी एक से ज्यादा हैं, तो सब मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन मिलकर आपकी तकलीफों को दूर करता है। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने भी जाते होंगे तो एक बुखार उतारने की दवाई होती है, तो एक दवाई होती है, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक होती है, एक दर्द की होती है, तो चारों दवाइयां जब आप खाते हैं, सही वक्त पर खाते हैं, तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही ये L6 की चार अद्भुत अनमोल पत्थरों का जो लॉकेट या अंगूठी जब आप पहनेंगे या ऐसे ही अपने पास रखेंगे तो फिर सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक कष्ट दूर नहीं होगा, सारे एक साथ दूर हो जाएंगे। L6 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें। नमस्कार।